चलो सही, पहले जी उसे क्या कहते हैं, उसे क्या काम है, एलजी से फिर एलपीएम से ठीक है, फिर जब लाइट से कुलिंग करना है, स्पेक्ट प्रिपरेशन जो है फ्रॉम बिटना दीजिए। देखना रिएक्शन कहा, तो देखना रिएक्शन क्या होता है बेटा, आर एम जी एक्स, तो द देखना रिएक्शन इज आर एम जी एक्स, तो इससे हम एल्डिहाइड की दो बॉन्ड बना सकते हैं, राइट राइट। तो आर एम जी एक्स में मैंने बार बार बताया बेटा, याद रखोगे जो आर एन जी एच में जो आर होता है बेटा उसमें माइनस का आर होता है, तो आर माइनस हमेशा क्या होता है न्यूक्लियोफाइल होता है, क्लियर है। तो आर माइनस क्या होता है हमेशा न्यूक्लियोफाइल। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रिएक्शन करा रहे हैं आर एन जी एच की किसके साथ, एच सी एन के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ एच सी एन, क्लियर राइट। तो कर क्या है यहाँ पे, देखिए क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा इस पे ठीक है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है यहाँ पे, कार्बन की नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। तो जैसे ही इसको अप्रोच करेंगे बेटा ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, और कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो ये आर माइनस पे क्या करेगा, अटैक कर देगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, एक आर टू मिला और सी एच, और डबल बॉन्ड क्या मिला बेटा, एन माइनस टू, करेक्ट है। और दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन की नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। तो आप जब बॉन्ड तोड़ेंगे बेटा तो हमेशा जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस होता है एच और ओ एच, अब एच पे सिंपल क्या चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव, और ओ पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो ओ एच किसको दो गया, सी को, और एच किसको दो गया, एन को। तो दोनों बॉन्ड तोड़ देने हैं, जैसे ही आप दोनों बॉन्ड तोड़ते हैं उसकी परिणाम क्या हो जाएगा, एच एक का एक ओ एच, और दूसरा ओ एच, और वो जो नाइट्रोजन है वो बन निकल गया ठीक है। आप यहाँ लिखना चाहते हैं तो आप साथ में लिखते हैं एन जी एक्स, ये वाला जो बचेगा इस पे क्या चार्ज रहा होगा, पॉजिटिव, इसके साथ ही के बाद में। तो यहाँ पे जो आप लिखोगे एन जी एक एक्स हो गया और एक क्या आ गया, एन एच टू, क्लियर। और मैंने कल बताया था आपको एक कार्बन पे दो एच क्या होते हैं, अनस्टेबल, इससे एक वाटर का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो जैसे ही वाटर का लॉस हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमें, एल्डिहाइड, क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड, क्या मिल जाएगा हमें, आर सी, क्लियर है राइट। तो इस रिएक्शन को अगर आप एक ही स्टेप में करते हैं तो ऐसे लिखा होगा आर एन जी एक्स, यहाँ लिखा होगा एच सी एन, और नीचे क्या लिखा होगा, वाटर, ऐसे लिखा होगा। तो दिस मीन्स आपको एक ही स्टेप में करना है, आपको क्या बना देना है, आर सी ए, क्लियर। तो हमने एक स्टेप में आर एन जी एक्स की आर सी ए के साथ रिएक्शन कराई, तो हमें क्या मिलेगा वाटर और एच प्लस, और साथ में क्या मिलेगा, आर सी ए। ना वो बाय प्रोडक्ट उसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहते लिख सकते हैं, अदरवाइज कुछ छोड़ दीजिए। क्लियर क्लियर तो ये हमने बिना रिएक्शन में बटर पहले एल्डिहाइड बना कर रहे हैं, एल्डिहाइड, क्लियर है। अब देखिए अगर हम, हाँ, और अगर हम कीटोन बनाना चाहते हैं, लेट्स क्या बनाना चाहते हैं, कीटोन, तो हम क्या करेंगे बेटा, ये आर एन जी एच, इस बार हम इसकी सेकेंड रिएक्शन है इसी से, हम यहाँ आर लिखेंगे,
ये आर था और ये आर एस, फर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ बताइए। यहाँ पे क्या था एच, एच की जगह क्या आ जाएगा आर, यहाँ पे एस से एच की जगह क्या आया आर, यहाँ भी एच की जगह क्या आया आर, तो ये क्या बन जाएगा टी टू, क्या बन जाएगा टी टू। तो दिस मीन्स क्या होगा, ये एच यहाँ लगा दिया आर एस आर एस, और जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये क्या करोगे यहाँ पे आर एस, और ये किया तो हमारे पास क्या मिला आर सी डबल बॉन्ड टू कॉस का मिला था। तो अगर हम आर सी एन के साथ रिएक्शन कराते हैं तब तो हमें क्या मिलता है कीटोन, और अगर हम एच सी एन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलेगा एल डी। क्लियर स्टार्ट करा से पहले क्रिएशन लिखी है एचसीएल का तो ये लिया है सब देख लिया है ऐसे पहले क्रिएशन है मतलब सिमिलर रिएक्शन है इंस्टेड ऑफ यहां पे आर डैश यहां पे क्या है एच है एचसीएल हाइड्रोजन साइड के साथ रिएक्शन है। तो यहां पे क्यों मेरे लड़का एक स्टेप में तो यहां अगर मैं निकल जाता हूं क्या आर से ये क्या होगा सी डबल बॉन्ड आर क्लियर क्लियर। तो अरे क्या कहते हैं बेटा एस्टर आर सी डबल बॉन्ड ऑफ आर, ये आर से भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है ठीक है राइट। तो अगर हम एस्टर के साथ रिएक्शन कराते हैं हमेशा याद रखना होगा ये जो चैप्टर है या इसके आगे जो चैप्टर होगा हमेशा क्या होगा न्यूक्लियोफाइल, ये वाला जो कार्बन होता है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो यहाँ पे हमेशा ही क्या होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज रहता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो दिस मींस ये क्या होगा ये तो न्यूक्लियोफाइल हो गया और ये कैसा बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफिल। तो ज्यादातर जो कार्बोनिल की रिएक्शन है वो क्या होगा न्यूक्लियोफिल एडिशन रिएक्शन होता है, एक न्यूक्लियोफाइल क्या करता है इलेक्ट्रोफाइल पे क्या करता है एड। तो यहाँ भी ये होगा होगा क्या ये ऐसे आएगा इसके अटैक करेगा ये बॉन्ड कहाँ चला गया ऊपर ऑक्सीजन के पास क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे आर एक आर डैश था यहाँ पे ओ माइनस था और ये क्या आर आर और यहाँ ओ और क्या हो गया सी टू एच फाइव नहीं हुआ क्लियर। अब होता क्या है जब ये क्या है ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज तो ये क्या करता है इंटरनल क्या करता है वापस जब अटैक करता है तो ये ग्रुप क्या करता है बाहर निकलता है। हमने ऐसी रिएक्शन पहले भी देखी है इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है रीअरेंजमेंट होता है तो हमें क्या मिलेगा यहां पे आर डैश सी डबल बॉन्ड और क्या मिला आर वही ओ माइनस सी टू एच फाइव क्या हो गया बाहर आ गया। अब इस ओ माइनस सी टू एच फाइव को लगाना चाहते हो तो एमजीएक्स के साथ लगा सकते हो। तो अगर आप बायोग्राफ देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्या होगा इसी जगह पे एम जी और साथ में क्या था एक्स और ओ क्या हो गया इस रिएक्शन पे भी हमें क्या मिलता है ना टी टू क्या मिलता है टी क्लियर है राइट। तो हुआ क्या आर माइनस ने क्या करा ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था उसपे अटैक कराया ये बॉन्ड क्या होगा ऊपर की तरफ मूव किया वापस क्या हुआ न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक अब ये लीविंग ग्रुप का बेटा लीविंग ग्रुप क्या करेगा बाहर निकल जाएगा। तो
हमें क्या मिलेगा, टी टू और साथ में क्या मिलेगा, आर एन। तो जब आरएनजी रिएक्शन बना किससे कराते हैं, एस्टर से कराते हैं, तो हमें फिर से क्या मिलता है, टी टू मिलता है। क्या मिलता है, टी टू। क्लियर, सभी क्लियर, क्लियर। आप सोचिए, एक वो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो बोल वाला इलेक्ट्रॉन है वो लेके जाएगा ऑक्सीजन में ही रहेगा। क्लियर है बेटा? क्लियर तो जब कभी भी क्या हो, ध्यान में बेटा, जब कभी भी आर मेटल के साथ लगा हो तो आर पे हमेशा क्या चार्ज होगा बेटा, माइनस। जैसे आर एल आई हो गया, आर एन जी हो गया, आर सी हो गया, आर के साथ कोई भी मेटल लगा होगा तो आर पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और वो हमेशा कैसे बिहेव करेगा बेटा, न्यूट्रल करेगा। कभी भी क्लियर नेक्स्ट भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, बट ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट नहीं होता, बट वो बिल्कुल ग्रिगनार्ड जैसे ही कंपाउंड होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं बेटा, आर इन चीज के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिसकी सीडी सी आई टू की क्या कराते हैं, आरएनजीएसी रिएक्शन सीडी सीएल टू के साथ कराते हैं कैडमियम क्लोराइड की, और इसके कितने मोल होते हैं यहाँ पे, टू। तो हमें यहाँ पे कंपाउंड मिलता है क्या, आर टू क्या मिलता है, सीडी मिलता है। क्या मिलेगा, आर टू सीडी, और ये क्या मिल जाएगा आपके पास, इसके सीडी के साथ क्या मिल जाएगा, सीडी हो गया। और इसके साथ क्या हो गया, एमजी के साथ क्या हो गया, एक्स, और क्या हो गया, सीडी। तो बेसिकली हम यहाँ पे कंपाउंड, नया कंपाउंड बनाया हमने क्या, आर टू सी डी बटर। ठीक है राइट, डाई एल्काइल कैडमियम। क्या बनाया, डाई एल्काइल कैडमियम, डिपेंड करता है आर क्या है, डाई मिथाइल कैडमियम हो जाएगा, डाई मिथाइल कैडमियम हो जाएगा, डिपेंड करेगा आर पे। आप बताइए आर पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, अभी बताया था मैंने कि जब कभी मेटल के साथ एसोसिएटेड होगा तो आर पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव, और ये कैसे बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल। करेक्ट है, तो जब कभी भी क्या होगा बेटा, कोई न्यूक्लियोफाइल कभी एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा सेम रिएक्शन है। तो अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ आगे, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आर सी डबल बॉन्ड और सी एल, और इसकी रिएक्शन कराते हैं आर टू एक आर डैश से लिया सी डी से, तो होगा क्या, ये आर माइनस ग्रिगनार्ड जैसी रिएक्शन होगी, ये कहाँ अटैक करेगा इसके, और ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, ऊपर। तो हमें क्या मिलेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, ये आर डैश था, और ये क्या हो गया, सी एल, और सी एल क्या है, लीविंग ग्रुप सी एल माइनस, तो ये क्या करेगा, गैर अटैक करेगा, सी एल क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, फिर से हमें क्या मिल जाएगा बेटा, टी टोन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टी टोन। तो हमें क्या मिलेगा, आर डैश सी डबल बॉन्ड ऑफ क्या करेगा, क्लियर। सो ये क्या कंपाउंड है, इसका क्या नाम बोला था हमने, एसआई क्लोराइड। क्या कहा था इसको, एसआई क्लोराइड। ये भी एसिड डेरिवेटिव था, एसिड डेरिवेटिव क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बेटा, तो वापस क्या होता है, द
इफेक्ट होता है, तो जो साथ में लीविंग ग्रुप होता है हमेशा निकल जाता है। ज्यादातर जो रिएक्शन है वो ऐसी होती है बेटा, यहाँ पे लीविंग ग्रुप होता है तो कोई जो न्यूक्लियोफाइल लाओगे आप तो ऐसे क्या करेगा, फिर बैक अटैक करेगा, ये लीविंग ग्रुप क्या करेगा बाहर निकल। तो ज्यादातर ऐसे डेटाबेस में यही होता है, ये जो सी ये लगा होता है साथ में, ये क्या होता है लीविंग ग्रुप। करेक्ट, तो यहाँ से भी हमें क्या मिल रहा है बेटा T2, क्या मिल रहा है T2। These are the preparation of ketone with help of flavor ethanol leaving. Okay. और क्या ब्रो बनेगा उसके साथ आप क्या बोलना चाहते हो, इसके गए यहाँ पे क्या होगा आर, ये यहाँ से क्या निकलेगा बेटा सीएल, तो फिर से क्या बन जाएगा आर सी डी सी। अब दो मोल लोगे तो क्या मिल जाएगा सी डी सी। क्लियर है मैडम, राइट। सो दिस दिस इज द प्रिपरेशन विद हेल्प ऑफ द वेटर विद नॉट ही नेक्स्ट प्रिपरेशन इज मैडम नेक्स्ट वन सेट सिक्स प्रिपरेशन फास्टिंग। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तुम आए क्यों नहीं क्लास में? सर कल लेट सोया था बहुत ज्यादा। फ्रॉम ड्राई डिस्टिलेशन, फ्रॉम ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, फ्रॉम ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। देखो आने को कोई आने आया मैं क्लास में यार, लेट सोए कौन नहीं आया? कुछ देखो ये निकाल जो लगी निकाल। क्लियर बेटा, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। तो देखते हैं बेटा हाँ ये रिएक्शन क्या है। लेट्स सपोज हमने क्या लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया था। हाँ तो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के कितने मोल लिए, दो मोल लिए, ऐसे लिख दिया दो। और हम क्या इसकी रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो एसिड है और वो क्या कैल्शियम रिएक्शन का होगा बेस, तो एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या मिलेगा हमें सॉल्ट, क्या मिलेगा सॉल्ट। तो यहाँ पे मेरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लीजिए मतलब CuOH4+, ऐसे लिख दिया इसको। और जब क्या होता है सॉल्ट एसिड प्लस वाटर में एसिड प्लस सॉरी बेस मिलता है तो क्या मिलता है सॉल्ट, तो हमें क्या मिलेगा रिमूव क्या होता है वाटर। तो आप क्या करना इससे क्या करना वाटर को रिमूव कर देना, तो जब रिमूव करोगे तो दो मोल वाटर निकल गए। तो हमें मिला क्या बच्चों यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड, और इसका क्या रह गया ये तो, और यहाँ क्या है सी ए, और नीचे भी क्या मिला ओ सी डबल बॉन्ड ओ, और क्या मिला आर मिला। ये मिला करेक्ट है ना, दो मोल चाहिए थे तो आपने दो मोल वाटर निकाल दिया तो आपको ये मिला। इसी को क्या बोल रहे हैं कैल्शियम सॉल्ट, क्या बोल रहे हैं कैल्शियम। क्लियर, इसको ऐसे ही लिखा रहेगा शॉर्टकट में, ऐसे ही लिखेगा ये दोनों चीज सेम है तो ऐसे ही लिखेगा आर सी ओ मोल ट्वाइस टाइम देगा सी, क्या लिख देगा आर सी ओ मोल ट्वाइस क्या लिख देगा सी ए, दो बार है तो दो बार इनटू क्या है सी ए। क्लियर है राइट। अब देखिए क्या होगा बेटा, हम कह रहे हैं ड्राई डिस्टिलेशन की बात कर रहे हैं राइट। अब देखिए होगा क्या बेटा, जैसे ही आप हीट करोगे राइट, सब लोग यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हैं, जैसे ही आप इसको हीट करोगे यहाँ से क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट बनाता है वो निकल जाता है, और कैसे निकलेगा आप देखिए, ये जो मैंने बनाया है अगर आप देखिए इसमें सीए कितने एक, कार्बन कितने एक और ऑक्सीजन कितने हैं तीन, तो क्या निकल गया कैल्शियम कार्बोनेट, और बन क्या गया आर सीओ और आर क्या बन गया कीटोन। तो क्या मिल गया हमें यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड और क्या मिल गया आर कीटोन CaCO3 यहाँ से निकल गया। हाँ जी आर से सेम भी हो सकता है डिफरेंट होता है, ये हमने क्या लिया उस पर डिपेंड है।
अभी हम क्वेश्चन करेंगे इसको। स्फीयर है, इसको क्या बोलेंगे? ड्राई डिस्कस का क्या बोलेंगे? कैल्शियम सॉल्ट। आरएन क्लियर है? क्लियर है सर। सोना नहीं है सर, आपने एक बार पूछा, मैंने बता दिया, फिर कहाँ सो रहा हूँ मतलब। हाँ अच्छी बात, क्लियर है। देखिए ना, क्वेश्चन कैसा आ सकता है? क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, यहाँ लिखो मैंने C6H5CO वोल्ट वाइस का बेटा C, ठीक है, और इसके साथ मैंने एक और लिख दिया यहाँ पे HCO वोल्ट वाइस C है, ऐसे लिख दिया, ठीक है राइट। और हमें हीट करना है और बोलेगा क्या प्रोब बनेगा। अब प्रोडक्ट अगर हमें बनाना है इसमें, तो अगर ये कैल्शियम सॉल्ट है, यही चीज है जो अभी लिखी थी हमने, तो आप देखिए यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने प्रोडक्ट आप बना सकते हैं इससे, हाउ मेनी प्रोडक्ट कैन फॉर्म फ्रॉम दिस करेक्ट। इससे या तो क्या हो, यही आपस में कितना सेट वाला हो जाए, ये CH3CH5 इधर भी हो जाए और इधर भी क्या हो जाए, CH3CH5 हो जाए एक, या फिर क्या हो जाए, एच भी इधर हो जाए और एच इधर भी हो जाए दूसरा, तो ये दोनों क्या होगी सेल्फ। सेल्फ का मतलब दोनों तरफ आर और आर है, और एक बार ये हो जाए कि क्रॉस हो जाए, इसका ये एक तरफ और इसका क्या हो जाए एच एक तरफ, तो यहाँ पे तीन प्रोडक्ट मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे हमें? C6H5CO क्या मिलेगा? C6H5 ये एक, दूसरा वाला क्या मिलेगा? HC डबल बॉन्ड और क्या मिला H, और तीसरा क्या मिलेगा बेटा हमें? C6H5C डबल बॉन्ड और क्या मिलेगा? H। तो यहाँ पे दो तो क्या मिलेंगे सेल आपस में जो आर और आर से मिलेंगे, और एक क्या मिलेगा हमें क्रॉस, इसका ये आर और इसका ये, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेंगे? दो सेल और दो क्रॉस मिलेंगे। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आगे जाके, ऐसे बहुत सारे रिस्क करने वाले हैं क्लास में, तो क्या हुआ, तो वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या होगा कि जब कभी भी ऐसा हो कि दो सेल और एक क्या बन रहा हो, इसको बोलते हैं क्रॉस। क्या बोलते हैं? क्रॉस। ये तो सेल है और इसको क्या बोले? क्रॉस। तो याद रखिए, कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा और आपसे बोले मेजर क्या है, तो क्रॉस वाला ही आपको क्या बनाना है? मेजर। तो यहाँ पे लिख लेंगे ये क्या हो जाएगा, जब क्रॉस होगा तो क्या बनेगा? मेजर। और जो ये बनेगी वो क्या बनेगी बेटा? तो यहाँ पे तीन प्रोडक्ट मिलेंगे हमें, बट मेजर क्या होगा? जो क्रॉस वाला होगा वो क्या होगा? मेजर। क्लियर है? हाँ जी, मेजर मेजर वाले की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कोलिजन की फ्रीक्वेंसी, तो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी इसीलिए क्या होता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहती है ज्यादा रहती है। इसको क्या कहेंगे हम? ड्राई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। हाँ जी, नीट के लिए बेटा हमने तो यही क्वेश्चन करेंगे, CO2 निकालो, तो या तो CaCO3 इससे निकालो या इससे निकालोगे या इन दोनों से मिला के CaCO3, पर ये है कि
कि जब कभी भी इस ऐसे बोले कि इसका मोलर रेशियो 1 है और ये 1:1 मोलर रेशियो, तो याद रखना हमेशा यही बनाना है आपको एक मोलर, तब आपको सेल्फ नहीं करना क्योंकि ये एक मोल है और ये एक मोल है, या ऐसा होता तो एक एक मोल, तो इस केस में क्या होगा आपको हमेशा जब एक एक मोलर रेशियो होगा आपको मेजर वाला ही क्या बनाना है, मतलब क्रॉस वाला ही मेजर होगा। तो मॉलिब्डेनम का कोई सा भी ऑक्साइड है वो क्या करता है एल्केन को इसमें कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड। इसका जो राइट आंसर था बेटा लास्ट में, ठीक है, MOO3 होगा इसका राइट आंसर, क्या था MOO3। तो एल्केन से अगर हमें डायरेक्ट एल्डिहाइड चाहिए तो हम क्या एजेंट यूज करेंगे, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड। ये क्या ऑक्सीडाइजिंग क्या है एजेंट, क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यूजली क्या होता है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्केन को मैंने बताया था पहले किसमें कन्वर्ट करता है अल्कोहल में, फिर अल्कोहल को और ऑक्सीडाइज करके वो किसमें कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड। लेकिन ये क्या करता है एल्केन को डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट कर रहा है एल्डिहाइड। तो प्लीज याद रखिएगा कि आज का जो है ना, आपको इसको सीधे एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। होता क्या बेटा राइट, यहाँ पे ये क्या करता है ये तो ऑक्सीडाइज होगा और ये खुद क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। तो जैसे ही रिड्यूस होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा पीडी मिलता है, ठीक है राइट। और यहाँ से क्या होगा ये एच थ्री हुआ वो किसके साथ बना लेगा सीएल के साथ, क्या बना लेगा यहाँ पे एच सी। और ये जो ओ था इसका आपने इसको दे दिया था इसको, तो बेसिकली क्या हुआ ये तो क्या हुआ ऑक्सीडाइज कर दिया और ये क्या हुआ करेक्ट, ठीक है राइट। क्योंकि यहाँ पे प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट में था, यहाँ पे क्या हो रहा है जीरो, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो खुद क्या हो रहा है ये रिड्यूस, क्या हो रहा है रिड्यूस। अब यहाँ पे पर्पस क्या है बस सीन स्टेट का क्या पर्पस है, यहाँ पे इसका पर्पस नहीं है
अब क्या होता है, ये जो पीडी होता है पैलेडियम, इसको क्या करते हैं, ये जो है इसको रीजनरेट कर लेते हैं, इसको दोबारा से वापस कर लेते हैं रीजनरेट, और किससे किससे मिलाते हैं बेटा, CuCl2 से ये जो यहां पे रिएजेंट किया। तो इसका अगर मैं दो मोल लेता हूं तो फिर से मुझे क्या मिलता है बेटा, क्या मिलता है PdCl2 मिल जाएगा, और यहां क्या मिलेगा CuCl, क्या मिल जाएगा CuCl, कितने मोल मिल जाएंगे। आप देखिए हमने दोबारा रीजनरेट कर लिया कि नहीं कर लिया, ये हमें दोबारा मिल गया, और हम इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे रीयूज कर, क्या कर सकते हैं रीयूज कर। तो बेसिकली व्हाट इज द पर्पस ऑफ CuCl2, टू रीजनरेट क्या पीडी, या कन्वर्ट पीडी इनटू क्या PdCl2, सो दैट दे रिएक्शन क्या रहे, चलती ही रहे, करेक्ट है राइट, मतलब खत्म हो रहा है फिर वापस बन रहा है, फिर दोबारा कंज्यूम हो रहा है, फिर बन रहा है, फिर ऐसे चलता है। और जो CuCl2 है ठीक है, उसके साथ हमने क्या ऑक्सीजन लिया था, और क्या लिया था यहाँ पे और क्या बता था इसको HCl। तो जो CuCl2 O2 और HCl के साथ क्या रिएक्शन होगी, ये क्या मिलेगा CuCl का, ये मिल जाएगा CuCl2, और साथ में क्या मिलेगा वाटर। अब आप देख लें CuCl2 भी रीजनरेट होता है, तो कैटलिस्ट शुरू में कंज्यूम हुआ और बाद में क्या हो गया, रिप्रोड्यूस हो गया, है ना। हमने कैटलिस्ट की क्या डेफिनेशन दी कि कैटलिस्ट शुरू में कंज्यूम होता है और बाद में क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है। तो शुरू में क्या हुआ होगा, कंज्यूम, और बाद में क्या हुआ, रिप्रोड्यूस। तो इसका क्या पर्पस है इस O2 का लेने का, इस O2 ने इस HCl के साथ क्या करा, कंबाइन किया और उसको CuCl2 को दोबारा प्रोड्यूस कर दिया। तो आप देखिए ये रिएक्शन हमेशा ही क्या रहेगी, चलती ही रहेगी, क्योंकि ये वापस प्रोड्यूस हो रहा है और ये भी फिर से क्या हो रहा है, रिप्रोड्यूस। इसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है, CuCl2, और CuCl2 कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये O2 और कौन, HCl। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बेकर्स प्रोसेस, क्या बोलेंगे, बेकर्स। इम्पोर्टेंट है बेटा ये भी, क्रोमोजन मून रिएक्शन का, या रिडक्शन भी कहते हैं इसको, क्रोमोजन मून UMD रिएक्शन और रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, ये नोट कर लिया, अच्छा ये पे एक चीज बताना है, अगर आपके पास कोई और वो होगा बेटा एल्कीन होगा, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड क्या CH2, और सेम आप रिएक्शन कर रहे हो किसके साथ, PdCl2, और यहाँ पे क्या था वाटर, और यहाँ पर CuCl2, और साथ में क्या था O2। तो याद रखेंगे बाकी हर एल्कीन, सिर्फ पहला वाला जो ईथीन था वही क्या देगा, एल्डिहाइड देगा, बाकी सब क्या देंगे, कीटोन देंगे, क्या देंगे, कीटोन। तो बीच वाले पे आपको क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड O कर देंगे, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा CH3 सी डबल बॉन्ड, और क्या मिलेगा, क्या बेटा कीटो इन बेकर्स प्रोसेस, ओनली एल्कीन ओनली इथीन विल गिव एल्डिहाइड, where rest या where all alkene, all other alkene will give क्या बेटा, will give keto in Baker's process।
नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा क्या, रोजिमून रिएक्शन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये एक ऐसी रिएक्शन है बेटा सिर्फ क्या बोलता है, जिसमें एल्डिहाइड, देखिए इन दिस रिएक्शन ओनली एल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड, तो कभी भी एल्डिहाइड अगर सिर्फ प्रिपेयर करना है तो रोजिमून रिएक्शन का स्थान R O S E N M U N D रिएक्शन होता है, लेकिन इन दिस रिएक्शन ओनली एल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड होता है। और इसका रिएजेंट क्या होता है बेटा, सब्सट्रेट होता है इसका R C O C L मतलब SI क्लोराइड, और यहाँ पे लिखते हैं बेटा PB साथ में H2 बेटा, और साथ में रहता है BaSO4, तो क्या रिएजेंट है इसका PD साथ में H2 और BaSO4 के एल्डिहाइड बना देना बेटा, इसको हटाना है और H लगाना है, तो एल्डिहाइड बन जाएगा, क्या मिलेगा हमें RC डबल बॉन्ड और क्या H। होता क्या बेटा जो H जो PD है वो क्या बेटा कैटलिस्ट, तो PD पे क्या होता है जो H2 जाता है, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो जो H2 जाता है ठीक है राइट, वो टूट जाता है और H डॉट और H डॉट बनता है ठीक है राइट, और एक रेडिकल क्या करता है दूसरे रेडिकल को जनरेट करता है, एक रेडिकल हमेशा दूसरे रेडिकल को क्या करता है जनरेट करता है, रेडिकल का हमेशा काम क्या है एक को आपस में जुड़ना और एक दूसरे रेडिकल को क्या करना क्रिएट करना, हमेशा रेडिकल मैकेनिज्म यही होता है। तो ये क्या होगा RCOCl, तो ये रेडिकल बना, यहाँ भी रेडिकल बनाना चाहेगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा सी एल डॉट निकल जाएगा, और अपने क्या मिल जाएगा यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड और क्या मिल जाएगा डॉट, और अब क्या होगा एक एस को कहाँ आया डॉट इसके साथ कंबाइन हुआ, और एक क्या आया इसके साथ सी एल डॉट के साथ क्या आया दूसरा है, तो हमें क्या मिला यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड डॉट और क्या मिला बेटा एच डॉट का क्या मिला आर सी ओ और एच मिल गया फिर राइट, और यहाँ पे साथ में क्या मिल गया बेटा दो इलेक्ट्रॉन एक ये और एक तो यहाँ से टूट जाएगा, तो टूटेगा तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये रहेगा और ये इलेक्ट्रॉन मिलके एक कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, और इसने इसने एक कोवलेंट बॉन्ड बना, फिर राइट हम इसको क्या बोलेंगे रोजिमून रिएक्शन करेक्ट है राइट, हमने सुना है ना कैटलिस्ट के ऊपर जो गैसेस होती है वो क्या होती है एब्जॉर्ब हो जाती है, क्या होती है एब्जॉर्ब होती है ना ठीक है, आपने ऐसे लिखा होगा या फिर लिखा होगा बहुत बार हमने ऐसे लिखा था NiH2 या PdH2 या PbH2, तो बेसिकली क्या होता है रिएक्शन एजेंट, क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट, तो हमने यहाँ पे रिडक्शन कर दिया एच जोड़ दिया, तो एडिशन ऑफ एच क्या होता है रिडक्शन, तो बेसिकली SI क्लोराइड को हमने क्या कर दिया बेटा रिड्यूस कर, अब मतलब ये बेटा इसका क्या पर्पज है, इसका क्या पर्पज है BaSO4, हमने इन दोनों का पर्पज तो देख लिया PD और H2 का, क्योंकि PD क्या था PD कैटलिस्ट जो कि सर्किट क्लोराइड कर रहा होगा, तो H जब आया होगा तो कुछ ऐसा आया होगा जुड़ा होगा तो यहाँ से टूटा होगा डॉट ऑफ और निकल गया होगा और यहीं पे ये भी अटैक हुआ होगा। अब इसका पर्पस क्या है DSO4 का क्या पर्पस है बेटा, जो इसकी स्मॉल स्मॉल पोर्स होगी जहाँ पे हाइड्रोजन अटैक हुआ होगा वहां पे ये जाके एक्युमुलेट हो जाएगा DSO4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा उसकी एक्टिविटी को क्या कर देगा ये कम कर देगा, क्योंकि क्या होगा कैटलिस्ट पे क्या होगा स्मॉल स्मॉल पोर्स होके जिस पे गैस का अगर एक्टिविटी एब्जॉर्ब होती होगी, अब आपने अगर BSO4 डाल दिया तो पोर्स पे जाकर कौन DA जाकर एक्युमुलेट हो जाएगा, अब क्या हाइड्रोजन इस पे और एब्जॉर्ब हो पाएगा नहीं, क्योंकि क्या एब्जॉर्ब हो चुका है DA एब्जॉर्ब या BSO4 हो चुका है, इसका मतलब क्या होगा ये जो एल्डिहाइड है अगर क्या होता यहाँ पे बहुत सारे H और प्रेजेंट होते तो एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस हो जाता और एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस किस में होता है एल्कोहल, इसका मतलब अगर हम यहाँ पे BSO4 यूज नहीं करते तो एल्डिहाइड फर्दर किस में रिड्यूस हो चुका होता एल्कोहल,
तो हमें एल्डिहाइड यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो अगर मैं यहाँ पे ये हटा दू तो एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एल्कोहल। लेकिन अगर इसको लिख रहे हैं तभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्डिहाइड। तो पूछेगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ BSF4, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सो दैट फर्दर एल्डिहाइड का रिडक्शन ना हो, लिखेंगे पर्पस ऑफ BSF4 बेटा। लेकिन BSF4 इसके लिए बेटा फॉर द पीडी कैटलिस्ट, फॉर द पीडी कैटलिस्ट। ठीक है, सिलिकॉन ट्रायऑक्साइड कैंसर इसमें इसमें इसके डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे ऑप्शन था, फिर मॉलिब्डेनम ट्रायऑक्साइड एल्केन को कैंसर हो रहा था, इसमें वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऑक्सीडेशन पर देखोगे केवल फॉर अच्छा ऑक्सीडाइजिंग। तो जो माइल्ड लोगे तो एल्डिहाइड तक जाएगा, स्ट्रॉन्ग लोगे तो कहाँ लेके जाएगा, एसिड। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तक क्या है, क्लियर क्लियर बेटा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखने बेटा सॉल्वेंट लिखेंगे, ज़ाइलीन बेटा, ज़ाइलीन जिसे भी लिखने माइल, ज़ाइलीन इज यूज एज अ सॉल्वेंट बेटा, ठीक है। ज़ाइलीन इज यूज एज अ सॉल्वेंट, ज़ाइलीन इज यूज एज अ किसी में सॉल्वेंट इस प्रोसेस के लिए, भोजन के लिए कभी पूछ ले सॉल्वेंट क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है कौन सी रिएक्शन देगा, नेक्स्ट एक बेटा स्टीफंस रिएक्शन, STEFAN apostrophe X स्टीफंस रिएक्शन का वो याद है क्या है, जो कैसे स्टीफंस रिएक्शन क्या बेटा, ये भी रिडक्शन है, जितने से पहले हमने देखी थी वो भी रिडक्शन थी, रोजेमोंड भी, ठीक है ना, और ये भी क्या है रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या है बेटा, हम देखें R C ट्रिपल बॉन्ड पहन लेते हैं, मतलब साइनाइड ग्रुप ले लेते हैं, क्या लेते हैं साइनाइड या नाइट्राइड ग्रुप, क्या बोलते हैं साइनाइड या नाइट्राइड। और यहाँ पे जो रिएजेंट लेते हैं बेटा वो लेते हैं SnCl2 और साथ में क्या लेता है HCl, क्या लेते हैं SnCl2 और साथ में क्या लेते हैं HCl। जब कभी भी आपको दिखे बताना SnCl2 HCl, ठीक है ना, या ZnHCl या FeHCl, तो याद रखेंगे हमेशा ये रिड्यूसिंग ग्रुप क्या होते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब कभी भी आपको ZnHCl दिखे या Fe के साथ HCl दिखे या ये दिख रहा है आपको क्या SnCl2 और क्या दिख रहा है HCl, ये हमेशा क्या होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो Sn जो Cl2 है, ठीक है राइट, Sn जो होता है बेटा वो कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, कार्बन वाली फैमिली से। तो कार्बन के नीचे क्या आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे क्या आता है जर्मेनियम, फिर आता है बेटा टिन, और फिर क्या आता है लेड।
ये चार है, पांच एलिमेंट आता है, इसे ग्रुप नंबर किसमें है, टू है, और 14 में अब ग्रुप नंबर 14 का जो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो या वैलेंसी होती है या तो प्लस फोर या तो क्या बेटा प्लस टू, ठीक है राइट। अब क्या होता है जो डाउन द ग्रुप, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का, डाउन द ग्रुप क्या होता है, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, और उसका रीजन होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, बाद में देखेंगे जो इनऑर्गेनिक करेंगे। तो डाउन द ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी प्लस फोर की डिक्रीज करती है, और कम वाले की क्या करेगी इंक्रीज करेगी, जैसे अगले वाला है कि नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी है तो ये शो करता है प्लस थ्री और प्लस फाइव, तो यहाँ पे प्लस फाइव के डाउन द ग्रुप क्या करेगी डिक्रीज करेगी। रिलीज क्या होगा ऑक्सीजन सल्फर, तो यहाँ पे होगा प्लस टू प्लस फोर और प्लस सिक्स, तो प्लस सिक्स की डाउन द ग्रुप क्या करेगी डिक्रीज करेगी। तो इसका मतलब जो SN है यहाँ पे वो रहना चाहता है किसमें प्लस फोर में, लेकिन जो PB है वो रहना चाहता है किसमें बेटा प्लस टू में। रिपीट करो इम्पोर्टेंट है, SN किसमें रहना चाहता है हमेशा प्लस फोर में, और PB कहाँ रहना चाहता है प्लस टू में, क्योंकि यहाँ पे इनर्ट पेयर आ जाता है वो फर्दर दो इलेक्ट्रॉन और हेड डोनेट नहीं करता है, इसलिए उसको ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहता है प्लस टू और इसका कितना रहता है प्लस फोर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो SN है वो क्या है इसके ऑक्सीडेशन नंबर कितना प्लस टू, क्लोरीन पे माइनस करना चाह रहा तो दो, तो SN पे कितना चार्ज होगा प्लस टू, तो ये किसमें जाना चाह रहा होगा प्लस फोर में जाना चाह रहा होगा। तो जैसे इसको HCl दिखेगा यहाँ पे तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या मिला बेटा SnCl4 और क्या मिला H2, और H2 क्या है बेटा रिड्यूसिंग क्लियर राइट। अब क्या होगा RC ट्रिपल बॉन्ड N और H और H को क्या कर देना इसे तोड़ देना और एक बॉन्ड तोड़ देना एक H इसको और एक H को देना, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे RCl डबल बॉन्ड क्या मिलेगा बेटा N, क्लियर। हमने इस एच को तोड़ दिया और यहां से एक एच एक एच को तो इस H का सोर्स कौन है बेटा ऐसे, कौन है सोर्स इस H का ऐसे, मैकेनिज्म नहीं बेटा याद करने का तरीका बताया मैंने कि आप कैसे याद रखेंगे, ठीक है राइट। ये इसको क्या बोलेंगे बेटा, अभी बाय प्रोडक्ट इंटरमीडिएट है, ठीक है राइट, एमाइन है बेटा, ये क्या है थोड़ी सी एमाइन, तो क्या कहेंगे एमाइन का इंटरमीडिएट है, एनएच का है एमाइन का, क्लियर है कि एमाइन कहते हैं साइंस के लिए, क्या कहते हैं एमाइन का एमाइन से कहते हैं, क्लियर है। अब क्या होगा इसका नाम फर्दर क्या कर देगा हाइड्रोलिसिस कर देगा, कितना कर देगा इसका हाइड्रोलिसिस, तो जब हाइड्रोलिसिस करेंगे होगा क्या बेटा ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पे क्या चार्ज होगा नेगेटिव, अभी मैंने बताया तो दोनों बॉन्ड आपको तोड़ देंगे और इधर दो बॉन्ड तोड़ देंगे, इसको आप क्या दोगे OH OH और इसको क्या दोगे H और H, क्या करेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या चार्ज रहेगा नेगेटिव चार्ज, तो जब बॉन्ड तोड़ोगे तो इसपे क्या जाएगा इसका H प्लस किसके पास जाएगा नाइट्रोजन पे, और OH किसके पास जाएगा OH किसके पास जाएगा कार्बन के पास, तो कार्बन में प्लस जाएगा ना, तो बेटा वाटर में क्या होगा एच प्लस और ओ एच माइनस ये होगा ना, तो ये क्या होगा जब आप ये दोनों बॉन्ड तोड़ोगे तो आपको क्या करना है दो वाटर ऐड करने हैं, तो दोनों ओ एच जो होगा वो किसको दे देंगे इसको, और दो जो एच होगा वो किसको दे देंगे इसको, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे आर सी एच और ओ एच और दो एच मिलेगी, और यहाँ पे साथ में क्या मिलेगा बेटा एमोनिया एक एच तो पहले से था और दो क्या हो गए एच और, और इस पे एक वाटर क्या हो गया बेटा निकल जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा यहां पे RCl करने, तो इस प्रोसेस से भी हमेशा हमें क्या मिलता है
होगा क्या बेटा, जब कभी भी याद अपने बेटा ये बार बार ये दिन मिलेगा क्या दिन जाते कि जब ऐसे पे करेंगे तो जब क्या होता है यहाँ पे ऐसे रिएजेंट है सी एच डबल बॉन्ड के होता है एच, तो जब हाइड्रोलिसिस करना बेटा कभी भी तो इसने हमेशा दोनों बॉन्ड आपको तोड़ देने हैं। जैसे अगर मैं इसका करता हूँ आर सी ट्रिपल बॉन्ड है और हाइड्रोलिसिस का करोगे तो आप तीनों बॉन्ड तोड़ देना तीन ओएच, तो जब तीनों ओएच दो के तो आपको क्या मिलेगा देखिए सी ओएच OH और कुछ अब करोगे तो इससे दो OH से एक वाटर का क्या जाएगा बस, तो यहाँ से एक वाटर हमने निकाल दिया तो हमें क्या मिला बेटा आर सी डबल बॉन्ड और क्या मिला OH, क्या मिल जाएगा S, क्या मिलेगा S। तो जब तीन बॉन्ड तोड़े तो आपने क्या बनाया एसिड, जब दो बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या बनाओगे। तो याद रखना बेटा साइनाइड का कभी भी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमेशा क्या बनता है एसिड, आगे जाके प्रिपरेशन में आएगा किसके कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन करेंगे। क्लियर है ना, यहाँ पे बेटा दो ही बॉन्ड थे, दो क्या कह रहे हैं दो मोल है, हाँ दो मोल है बट वो वाटर एक्सेस में रहेगा तो इसे दिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेसिकली हुआ क्या होगा यहाँ पे अगर आप मैकेनिज्म देखना चाहेंगे तो मैकेनिज्म में एसएन जो होगा बेटा प्लस टू है, एसएन किसमें जाना चाह रहा था प्लस फोर, एसएन क्या किया बेटा प्लस फोर में गया और दो इलेक्ट्रॉन इसने क्या करा होगा रिलीज कर दिया ऐसे रहा होगा और एसएन से क्या मिला होगा हमें इससे पैसे दिया होगा उससे क्या मिला होगा एच प्लस, तो एच प्लस को जो आप दो इलेक्ट्रॉन दोगे तो मिलेगा कभी एक जब इलेक्ट्रॉन आया तो एच बना होगा और एक और बना होगा तो क्या बना होगा नेगेटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन और ऐसे होगा दिखा दिया। क्लियर, अब क्या होगा जब ये यहाँ पे आएगा तो इस पे किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा एन पे नेगेटिव है जो बॉन्ड ऐसे टूटेगा अभी हमने देखा था, तो इस पे क्या चार्ज आया होगा पॉजिटिव पे क्या आया होगा यहाँ पे क्या लग गया होगा एच और इस पे माइनस रहा होगा। ठीक है, अब ये क्या होगा यहाँ से वाटर से क्या लगेगा एच तो हमें क्या मिला होगा ये मिला होगा आगे मैकेनिज्म वो याद करने का तरीका था। तो ये मैकेनिज्म है यहाँ पे क्या होता है बेटा ये दो इलेक्ट्रॉन जाता है ये H प्लस दो इलेक्ट्रॉन लेके H माइनस फिर इसके हाइड्राइड बनता है, हाइड्राइड ही क्या होता है इसलिए क्या होता है रिलीजिंग एजेंट। सो दैट इज क्या बेटा स्टीफंस रिएक्शन राइट, ये दो रिएक्शन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कंपाउंड है दीवार H कितना अच्छा दिख रहा है। देखो दीवार H और कैपिटल में लिखिए जैसे मैंने लिखा है क्योंकि ये ऐसे ही लिखा है डिबाल एच। क्लियर डिबाल एच का फुल फॉर्म लिखना है डाई लिखेंगे डाई आइसोब्यूटाइल डाई आइसोब्यूटाइल डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो बताइए क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्राइड क्या है वहां पे क्या मिला था एच माइनस तो वे रिड्यूसिंग एजेंट का एसएन और एचसीएल बना और ये भी क्या रहेगा रिड्यूसिंग एजेंट डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड
which convert cyanide group directly to aldehyde. तो अगर हमारे पास R C ट्रिपल बॉन्ड N है और वो बोलता है कि इसको सिंगल स्टेप में कन्वर्ट करिए, इसमें कन्वर्ट करिए एल्डिहाइड, इसमें कितने स्टेप में क्या था आपने दो, पहले HCl के साथ मिक्स करता है HCl के साथ और फिर हाइड्रोलाइसिस करता है, बट एक ही स्टेप में करना है तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं दीवार H लिख दूंगा, आपको क्या कर देना है इसको काट के सीधे क्या लगा देना नेक्स्ट देखिए फ्रॉम बीटा कीटो एसिड, फ्रॉम बीटा कीटो एसिड देखिए क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं बीटा कीटो एसिड, क्या होगा ये वाला क्या होगा अल्फा पोजीशन है, सॉरी ये वाला क्या है एसिड, तो ये वाला पोजीशन क्या होगा इसको अल्फा, और इसके बगल वाले पोजीशन क्या बनेंगे बीटा, इस ग्रुप को क्या बोलेंगे बेटा कीटो, और ये क्या ग्रुप है एसिड, तो ये क्या है बीटा कीटो क्या है एसिड, हां लग रहा है राइट, ये 12 बीटा कीटो एसिड बेटा, हां देखिए क्या है जब कभी बीटा की तो ऐसे मिलता है तो सिर्फ हीट करने से रिएक्शन होता है, कैसे होगी मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक बार आपको, CH3C डबल बॉन्ड ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है, ठीक है राइट, ध्यान से सुनना, ठीक है राइट, ये यही चीजें भी मैंने यहाँ से बनाया, अगर आप ध्यान से देखिए क्या था ये CH3 था, ये C डबल बॉन्ड O था, मैंने CH2 को नीचे ले लिया और यहाँ पे क्या था C डबल बॉन्ड O और क्या था OH, ठीक है राइट, तो जब आप हीट करेंगे बेटा इसको तो यहाँ से CO2 का क्या होता है बेटा लॉस होता है, क्या होता है CO2 का लॉस हो जाएगा, तो आप क्या करना यहाँ से हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होता है ये CO2 क्या करेगा निकल जाएगा और क्या मिल जाएगा हमें CH3 C डबल बॉन्ड और H के साथ आ जाएगा क्या आ जाएगा CH3, तो क्या बन जाएगा सीधे क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि जब ऐसा होता है तो कितने मेंबर की इंटरमीडिएट रिंग बनती है, तो आंसर क्या होगा कितने मेंबर की बनी 1 2 3 4 5 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट की जो रिंग बनती है उस वजह से क्या होता है इसका जब हम क्या करते हीट करते तो CO2 निकलता है, तो क्या मिलेगा हमें यहां पे बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या मिलेगा CH3, इसको ऐसे ही बनाएंगे माइनस क्या हो जाएगा उसका CO2 का लॉस, एक बेटा ये 2 3 4 5 और ये 6 है ना, 6 मेंबर के लिए 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट,
लास्ट रिएक्शन होता है ऑक्सो प्रोसेस में, सीओ वन जब हीट करोगे तो ये बॉन्ड आ जाएगा सीओ के पास, तो सीओ टू हो गया, ये एक्सट्री हो गया, क्लियर है ना? वो प्रैक्टिस कभी लिख पे देखना है अपना, क्योंकि लिखेंगे नहीं और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो याद नहीं होगा, तो याद नहीं होगा तो फिर ये सब होगी, ठीक है राइट? हमें थोड़ा बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है राइट? मैकेनिज्म आगे वाली जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट है, बट इनका सबका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? बट कहीं ना जो भी जरूरत है रिएक्शन की वो कैसे करके बता रहा हूं आपको, बट क्या है आपको प्रोडक्ट बनाना इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट बनाना, ठीक है? चाहे स्कूल में बोर्ड में एग्जाम को भी आपको बनाना आएगा, ठीक है? चाहे आपको जी मिल जाए नहीं मिले तो भी आपको बनाना आएगा, मैकेनिज्म का एक बार क्वेश्चन होता है, ठीक है? चलिए तो ऑक्सो प्रोसेस क्या करेंगे हम, लेट्स गो, हमारे पास क्या है CH3 CH डबल बॉन्ड क्या बेटा एल्कीन होता है बेटा इसमें सबसे, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं बेटा CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, क्या कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, और यहाँ दो बॉन्ड होता है बेटा 2 और यहाँ पे होता है 4 इसको क्या कहते हैं टोटल CO पार्ट 2 है, अच्छा और वन ऑन टू, अगर यहां पे इसको लिखेंगे तो यहां पे कॉमन ये आना चाहिए 32 होगा ना, तो ये 2 होगा और ये 8 होगा, अब इसे तो CO क्या रहेगा होल 4 8 2 और ये क्या हो जाएगा 8 का 4 कॉमन लेंगे तो CO क्या हो जाएगा 2, वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को क्या कहते हैं वाटर गैस, अब ध्यान से लिखना होगा, ठीक है राइट? कुछ कह रहे हो सामने, ठीक है सर? थोड़ा फोन टर्न करना, फोन टर्न दिखा रहा था, तो क्या है CO plus H2 क्या बेटा वाटर गैस, ठीक है राइट? तो भी दोनों आपस में मिल गया आपको, हमें मिलता है यहां पे बेटा HCH को क्या मिलता है, HCH क्या मिल रहा है फॉर्मेलिटी, क्या मिला फॉर्मेलिटी, अब फॉर्मेलिटी को क्या करना है बेटा ध्यान से देखना, याद करने का तरीका बता रहा हूं,
फॉर्मेल्डिहाइड को आप ऐसे लिख देना एच और सी एच ओ, ऐसे लिख देना, क्या लिखना एच और सी एच ओ। अब ध्यान से देखना क्या होगा, ये क्या होगा, इसके मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके क्या चार्ज होगा नेगेटिव। आप इसको ऐसे सोचिए ये एच सी एल जैसा एडिशन है, ये एच एक्स, तो एच पे क्या होता था पॉजिटिव और सी एल पे क्या होता था नेगेटिव। और जब आप एडिशन करते थे मार्कोनी लॉ, तो इसको क्या देते थे सी एल और इसको क्या देते थे हम एच, है ना, स्टेबल कार्बोन आयन को क्या देते थे न्यूक्लियोफाइल। तो ये कहा जाएगा सी एल यहाँ आता था और एच यहाँ आता था, और एंटी मार्कोनी लॉ में क्या करते थे हम इसको तो यहाँ क्या देंगे एच देंगे और यहाँ क्या देंगे सी एल देंगे, ठीक है। तो ये भी जो है ना ये जो एडिशन है ये आपके लिए एंटी मार्कोनी लॉ एडिशन है, क्या ये एंटी मार्कोनी लॉ एडिशन है। तो एच किसको दोगे आप इस बीच वाले को, और ये ठीक है, और ये किसको दोगे इसको, तो हमें आंसर क्या मिलेगा आर का लिखा सी एच टू, सी एच टू और क्या मिला मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमने क्या करा CO plus H2 मिलके क्या बनाया फॉर्मेल्डिहाइड बना, फॉर्मेल्डिहाइड को मैंने कैसे लिख दिया H और CHO, और क्या H पे पॉजिटिव और C पे क्या नेगेटिव, और कौन से एडिशन कर दिया मैंने एंटी मार्कोनी लॉ, एंटी मार्कोनी लॉ लेस स्टेबल पे क्या रहता बेटा H, और मोर स्टेबल पे क्या रहता है न्यूक्लियोफाइल, वापस ले लेस सॉरी मोर, हां मोर स्टेबल पे क्या जाएगा H और लेस स्टेबल पे क्या जाएगा न्यूक्लियोफाइल, क्लियर है, कोई डाउट बेटा, करेक्ट है। तो ये याद रखो ऑक्सो प्रोसेस कैसा एडिशन है एंटी मार्कोनी लॉ, कैसा एडिशन है एंटी मार्कोनी लॉ, राघव क्लियर है बेटा, जिनको नहीं पता बेटा मैं दोबारा से बता रहा हूँ, क्या है क्या होता है बेटा जैसे हमने कोई एल पी लिया आर सी एच का बेटा सी एच, ठीक है राइट। अब यहाँ पे क्या होगा जब आप कोई एच एच कोई रिएजेंट लेके आओगे तो एच एच का मैं कहूँ ई और एन यू, तो ई इलेक्ट्रोफाइल है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल पे क्या चार्ज होता है नेगेटिव। अब दो चांसेस है यहाँ पे, जब ये यहाँ आएगा तो ये तो बॉन्ड आप ऐसे तोड़ोगे या ऐसे तोड़ोगे, ठीक है। तो अगर आप ऐसे तोड़ते फर्स्ट केस में तोड़ते हैं तो आर सी एच इसके पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या होगा सी एच पे क्या चार्ज आ गया नेगेटिव। अगला वाला दूसरे केस में तोड़ोगे तो क्या मिलेगा आर सी एच यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा नेगेटिव, और इधर क्या मिला सी एच क्या मिला पॉजिटिव, क्लियर है। अब हमें देखना है कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज वाला स्टेबल है, यहाँ पे क्या होगा जल्दी और रिएक्शन करोगे तो नेगेटिव वाले में तो ई आ जाएगा, ई का जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं बेटा HCl, क्या लिख दिया मैंने HCl, H पे पॉजिटिव चार्ज होगा सी पे क्या चार्ज होगा नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या बनाओगे H इसको दे देते पी पे मिल गया बेटा सी एच होगा, और यहाँ दे दिया तो इसके फिर क्या हो गई ये सी एच टू। अब हमें देखना है बेटा कि कौन सा ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट है, ये वाला कार्बोकैटायन ये वाला कार्बोकैटायन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं कार्बोकैटायन, तो ये वाला जो कार्बन है बेटा वो 2 डिग्री है, क्या है 2 डिग्री, इधर और इधर दोनों तरफ कार्बन लगा है तो ये क्या बेटा 2 डिग्री, और ये बस सिर्फ एक तरफ लगा है तो क्या है 1 डिग्री। तो स्टेबिलिटी जो कार्बोकैटायन की होती है वो क्या होती है 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, तो 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, तो उसमें कौन ज्यादा स्टेबल है ये वाला 2 डिग्री वाला, और ये वाला क्या है लेस स्टेबल। तो जब आप 2 डिग्री पे HCl को दोगे बेटा, इसको जब HCl को आप यहां लगाओगे 2 डिग्री पे तो इसको बोलेंगे मार्कोनी लॉ एडिशन, क्या बोलेंगे मार्कोनी लॉ एडिशन। जब 1 डिग्री पे HCl लगाओगे तो क्या बोलेंगे एंटी मार्कोनी, क्लियर है। तो सेम चीज यहां पे जब आपने इसको तोड़ा तो यहां पे क्या हुआ ये पॉजिटिव चार्ज बना होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल रहा होगा, बट ये कौन सा है मार्कोनी लॉ, आपको किस पे करना था ये एंटी मार्कोनी लॉ, तो ये 1 डिग्री वाला कि 2 डिग्री वाला कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री वाला, तो अब जब मोर स्टेबल पर जोड़ोगे तब तो क्या हो गया मार्कोनी लॉ, और लेस स्टेबल पर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा एंटी मार्कोनी लॉ। तो यहां पे क्या जोड़ दिया बेटा ये जोड़ दिया ये तो ये क्या हो गया बेटा एंटी मार्कोनी लॉ पढ़ी थी, यही अगर मैं ऐसे लिखता देखना आर सी एच और यहाँ होता सी एच थ्री और यहाँ लिखता होता सी एच, अब मैंने ये 2 डिग्री वाले को क्या दे दिया सी एच दे दिया, तो ये इसको ये कैसे बना मार्कोनी लॉ एडिशन से,
तो प्रोडक्ट दोनों ही बनते हैं यहाँ पे, आप ये भी बनाएंगे, सभी लोग ये भी बनाएंगे, दोनों मार्कोनी और फ्रेंडी बनते हैं, बट मेजर कौन सा बनाना है? एंटी मार्क। तो बनाना आपको दोनों है, मार्कोनी को भी बनाना है, बट ये क्या होगा इस केस में? मेजर। और ये क्या होगा बेटा? मेजर। और क्या होगा अभी क्लियर? फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज। कल का लेक्चर कोई मिस नहीं करेगा बेटा, अब हर किसी को ऑफलाइन आना है कल की क्लास में, तो कल की क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक पढ़ने जा रहे हैं, 20-25 साल से लगातार आ रही है, तो कल की क्लास कोई मिस नहीं करेंगे ना। लेकिन तो कल हम प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, और प्रॉपर्टी भी कौन सी है? पहले वाली एडोर्न में से स्टार्ट, परसों देखते हैं कल जल्दी कैसे जल्दी कितने बजे खाली कर लो, तो वैसे नहीं आ रहा था मैं या तो लेट कर लो, कितने बजे कर लो? 10-11 बजे 12 बजे फिजिकल प्रॉपर्टीज बट क्लास लगानी है बच्चा, ऑनलाइन या ऑफलाइन बताना, क्लास आना आना चाहिए, परसों की ऑनलाइन कर देंगे, परसों क्या है फ्राइडे, स्कूल जाना है, परसों सैटरडे स्कूल जाना है, कितने भी जाना है कल आना है बेटा, ऑफलाइन या ऑनलाइन जरूरी लिखेंगे बेटा, लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिखेंगे बेटा, फिजिकल स्टेट सी टू से कहा था जिसमें एक ही कार्बन है, तो ये तो क्या है गैस, जिसमें दो से कहा तक होंगे बेटा इलेवन तो होंगे, वो सब क्या होंगे लिक्विड, ठीक है, और बियॉन्ड सी इलेवन क्या हो जाएंगे सॉलिड, फ्रॉम सी टू टू सी इलेवन क्या होंगे लिक्विड, और बियॉन्ड क्या होंगे बेटा सी इलेवन क्या हो जाएगा या सी ट्वेल्व वो क्या हो जाएगा सॉलिड। तो क्या कोई कीटोन गैस होगा? क्या कोई कीटोन गैस होगी? नहीं, कीटोन सूरी कितने से था? तीन कार्बन से, इसलिए वो कभी भी गैस नहीं होगा, ऐसी टोन जिसको बोलते हैं लिक्विड होता है, क्या होता है लिक्विड। तो सेकंड टोन लिखेंगे मोर देन तीन से, तीन से ही शुरू होता है ना ऐसी टोन को बेटा, क्योंकि आपने ऐसी टोन नाम को बीच में लगाओगे ना, अब ये आर में इधर आ रही है तो तीन तो हो गया। सेकंड पॉइंट लिखेंगे बेटा सॉलिबिलिटी होता है, ये ना फॉर्मेल्डिहाइड HCHO has more solubility than CH3CH2 होता है, HCHO has more solubility than CH3CH2। इसका मतलब जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा सॉलिबिलिटी क्या होती जाएगी कम होती चली जाएगी, तो देखिए बेटा वहां पे CH3CH2 सॉलिबिलिटी क्या रहता ज्यादा है इससे CH3CHO से, और लिक्विड का सॉलिबिलिटी जो है इसमें जो सॉलिबिलिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या रहता मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर वेट लिखिए सॉलिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या मॉलिक्यूलर मास, और बॉइलिंग पॉइंट क्या बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है मॉलिक्यूलर मास, नेक्स्ट पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है राइट। तो कभी ऐसा आता है जैसे सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ, यहाँ से देखा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड और सी एच थ्री, क्या इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है? इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है? यस, CH3CH2CHO और ये CH3COCH2, एक एल्डिहाइड और एक क्या है कीटोन। अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम आ जाए तो आप याद रखना इसका कीटोन का वॉल्यूम पर ज्यादा लिखने किससे एल्डिहाइड लिखेंगे, यहां पे मॉलिक्यूलर वेट इन दोनों का सेम था, दोनों आइसोमर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा इसमें बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे आप क्या करोगे इधर बढ़ते जाओगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है, मतलब एसिड का एसिडिटी ज्यादा होता है, फिर एल्डिहाइड फिर एसिड। आई थिंक इसमें वाटर में ज्यादा होगा, उसमें अल्कोहल में ज्यादा होगा ना, क्योंकि उसके पास क्या होगा इधर एच लगा होगा। अब आप इसमें क्लियर बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट बेटा क्या कहते हैं केमिकल और मतलब प्रिपरेशन और क्या बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है राइट। कल से स्टार्ट करेंगे क्या इस पे केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है बेटा। मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली क्या होता है, ब्रांचिंग कह सकते हो आप, बट जनरली सेम ही चीज है, ठीक है राइट। बट हम यहाँ पे कहेंगे टेंडेंसी क्या रहेगी बेटा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू सीएच3। बेसिकली क्या होगा बेटा, ये CH3 ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे भी नेगेटिव चार्ज रहेगा और इस पे क्या रहेगा बेटा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो ये ज्यादा पोलर नेचर का हो जाएगा इस केस। और जहां जब ज्यादा पोलर हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा उसका ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्या बेटा नॉन पोलर। क्लियर है बेटा, ठीक है स्वास्तिक आदित्य बेटा, ठीक है राइट। यस सर, ठीक है, ओके बेटा।